गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस बस से हम मुंबई से पुणे तक जाने वाले हैं। अभी मैं मुंबई में हूं और ये मुंबई दादर ईस्ट का इलाका है, आप देख लें। यहां से हम इस बस से पुणे तक जाएंगे। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करें। बहुत ही शानदार व्यू आने वाले हैं इस रोड के ऊपर और पूरी डिटेल इस सफ़र की आपको मिलेगी। बने रहे पूरे वीडियो, पूरा वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। अभी हमारी गाड़ी ने रवानगी ले ली है मुंबई से और ये हाईवे पे हम आ गए हैं। पुणे के लिए निकले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और पूरे सफ़र को एंजॉय करें। तकरीबन कितना किलोमीटर होगा? 150 किलोमीटर है यहाँ से पुणे और तकरीबन 4 घंटे लग जाएंगे। तकरीबन चार घंटे में, क्योंकि एक प्राइवेट सर्विस है तो आहिस्ता आहिस्ता रुकते रुकते हम लोग चलेंगे। पूरे सफ़र को एंजॉय करें। और इस बस में हमारा 300 रुपये का किराया लगा है, जो हमें मुंबई दादर ईस्ट से हमें बिठाया है और पुणे हमें छोड़ेंगे। तो पूरे सफ़र को एंजॉय करें हमारे साथ में, बने रहें। बुरला चेंबूर वासी आने ये रास्ता आगे से जा रहा है। अभी हम मुंबई क्रॉस कर रहे हैं, मुंबई के अंदर ही है और ये सब पूरा मुंबई का हिसाब किताब है। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बज गए हैं और तकरीबन 1 या 2 बजे तक हम पुणे पहुंच जाएंगे। बने रहे पूरे वीडियो में। और अभी हम चेंबूर पहुंच गए हैं। ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर बना हुआ है, शिवाजी पुतला, शिवाजी महाराज का पुतला बना हुआ है। और इधर कुछ एक गढ़ जैसा कुछ बना हुआ है और ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब। मुंबई बेंगलोर ये मुंबई बेंगलोर हाईवे आ गया। काफ़ी बड़ा चौड़ा रोड है और काफ़ी खुला रोड है। वासी ब्रिज क्रॉस करेंगे, आगे जाएंगे तो नई मुंबई शुरू हो जाएगी। सामने जो आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग है, ये नई मुंबई है और ये हाईवे मुंबई बेंगलोर हाईवे है और ये नई मुंबई में एंट्री का टोल नाका। बाजू में नई मुंबई का स्टेडियम चला गया और ये नई मुंबई का हाईवे पूरा पनवेल हाईवे। और इधर यदि लेफ्ट में निकलते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया है और ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का। और ये बुद्धिस्ट टेंपल है सामने, पहाड़ी के ऊपर है नई मुंबई में, इस हाईवे के बिल्कुल पास में ही है। और ये चार ट्रैक इधर, चार ट्रैक उधर, 8 ट्रैक का हाईवे पनवेल हाईवे।
इस पे अभी हम चल रहे हैं। और ये पनवेल हाईवे गुडविल, ये बिल्डिंग सामने गुडविल पैराडाइज, और ये पूरा हाईवे। ये पनवेल टोलवे, टोल प्लाजा। और ये अभी हम एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। यहाँ से पुनः तकरीबन 120 किलोमीटर रह गए हैं। आगे बोर्ड आ रहा है पुनः 114 लोनावाला 49। और ये लोनावाला रोड पे पहला टनल पाटान टनल के अंदर एंट्री कर ली हमने। और यहाँ पर 10-15 मिनट का स्टॉप लिया है चाय नाश्ता या फिर फ्रेश होने के लिए। और ये हमारी गाड़ी यहाँ पर 10-15 मिनट में यहाँ से चलेंगे। ये यहाँ का पूरा व्यू, और ये सामने हाईवे। अभी लोनावला आने वाला है। कितना रहेगा यहाँ से? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और रह गया लोनावला। और ये वादियाँ यहाँ की, घाट रोड आप देखिए। और अभी हम लोनावला पहुँचने ही वाले हैं। ये घाट रोड चल रहा है अभी लोनावला का। मारुति मंदिर दस्तूरी। ये लोनावला खंडाला का कट इधर चला गया। और ये सामने अभी पुणे टोल हाईवे। तो यहाँ से पुणे कितने रहेगा? यहाँ से पुणे 2 घंटा और लगेगा। 2 घंटे का सफ़र और है। तब तक आप ये लोनावला का आनंद ले सकते हैं। रोड का देखिए, पूरा हिल स्टेशन। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए लोनावला खंडाला आते हैं। बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है। लोनावला क्रॉस हो गया है अभी पुणे का हाईवे। साइड में अभी पुणे में एंट्री हमने किया है। अभी सावरघाट बस स्टैंड तक जाएंगे, इसमें बने रहे। यथागत भगवान गौतम बुद्ध नगर। और पुणे में आते ही बारिश ने हमारा स्वागत किया है। देखिए बूंदे गाड़ी के शीशे पे। और अभी हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। और ये पूरा यहाँ का ट्रैफिक आप देख लें। काफ़ी ट्रैफिक पुणे में रहता है।
और ये पुणे रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा सफ़र यहाँ का पूरा हुआ। कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये भैया हमें लेके आए, इनका भी थैंक यू और आप सभी का भी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।